26 नवंबर आप सभी को ये तारीख, सभी देशभक्तों को ये तारीख, सभी अम्बेडकरवादियों को ये तारीख, सभी दुनिया वालों को जो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखते हैं, ये 26 नवंबर की तारीख अपने सबसे बड़े महापर्व की लगती है। और इस महापर्व को भारत देश में कम से कम दूसरे सभी महापर्व मनाने की इजाज़त, दूसरे सभी महापर्व मनाने की फ्रीडम, आज़ादी मिलती है, तो इसी भारत के संविधान से जो 26 नवंबर को एग्जिस्टेंस में यानी के इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके कर्णधार, सूत्रधार और उसके बनाने वाले रियल फादर ऑफ द नेशन की सबसे बड़ी गिफ्ट जो उनको रियल फादर ऑफ द नेशन बनाती है, वो है भारत का संविधान, जो हजारों साल की नाइंसाफी को एक झटके से ख़त्म करती है। ऐसा दिन है 26 नवंबर। इसीलिए हम लोगों ने ये जो नौकरी नहीं न्याय चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय चाहिए, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये ऐतिहासिक आंदोलन जो नौकरी नहीं न्याय लेके ही समाप्त होगा, सच्चा प्योर खालिस न्याय लेके समाप्त होगा, वो जो एक आंदोलन चल रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन भी 26 नवंबर को या आने वाली 26 नवंबर को, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उस दिन मनाया जाएगा। यहाँ पर उस दिन हम लोग, क्योंकि संविधान दिवस एक ऐसा दिन होता है कि उसके आगे सब चीज़ों को शिथिल कर देना चाहिए, सब चीज़ों को रोक देना चाहिए, जब संविधान को मनाया जा रहा हो, संविधान दिवस मनाया जा रहा हो या ये सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा हो, तो हम भी एक सिंबॉलिक तरीके से यहाँ जहाँ पे हमारा ये धर्म का स्थल है, 4 नंबर गेट, आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ पूरी दीपों से शाम को 5:30 बजे से सजाया जाएगा और एक ऐसा माहौल होगा जिसको पूरी दुनिया में देखा जाएगा, मनाया जाएगा। हर एक भारतीय जो संविधानवादी है, जो भारत का गद्दार नहीं है, वो इस दिन को किसी भी और दिन से ज़्यादा अच्छी तरह से मनाएगा, क्योंकि यही भारत की रूह है, यही भारत की आत्मा है, ये संविधान ही भारत है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को 26 तारीख को यहाँ पे पूरी सड़क पे और यहाँ चारों तरफ दिए लगाए जाएंगे और भारत का संविधान दिवस मनाया जाएगा, हमारा सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाएगा। अब साथियों, और महत्वपूर्ण बात मैं एक दूसरी बताना चाहता हूँ। अभी मुझे डॉक्टर रितु ने, आशुतोष साहब ने और दूसरे साथियों ने बताया है कि एक हिंदू स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, क्या स्टडी कराई जाएगी? स्टडी जो होती है हमेशा से कंपैरेटिव होनी चाहिए। एक चीज ऐसी है तो उसके अलावा ये चीजें भी हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, ताकि लोग अपना माइंड बना सकें कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। देशवासी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, भारत की, उसमें लोग अपना मन बना सकें। अगर हिंदू स्टडी सेंटर बना है तो फिर आदिवासी स्टडी सेंटर बनना चाहिए, सबसे पहले आदिवासी स्टडी सेंटर बनना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, उनके स्टडी सेंटर बनने चाहिए सबके, ताकि लोग चूज कर सके ना, क्या क्या हम लोग पसंद करें, क्या बेटर है, क्या हमारे सिस्टम को ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या हमारे साथ ज्यादा न्याय अच्छा करेगा, क्या चीज हमें हमारा खुशहाली ला सकती है, क्या चीज हमारी तरक्की करा सकती है। तो बौद्ध स्टडी सेंटर होना चाहिए, कहाँ है वो? दलित स्टडी सेंटर, मैं शेड्यूल कास्ट स्टडी सेंटर बता ही चुका। बौद्ध स्टडी सेंटर कहाँ है? जो मुस्लिम धर्म के लोग मानने वाले हैं वो स्टडी सेंटर। इस्लामिक स्टडी सेंटर कहाँ है? क्रिश्चियन स्टडी सेंटर कहाँ है? जैन स्टडी सेंटर कहाँ है?
ओबीसी समाज में एक से बढ़कर एक बढ़िया कम्युनिटी के लोग हैं, उनके इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उनके स्टडी सेंटर्स कहाँ हैं? एक ही स्टडी सेंटर दिखाओगे ताकि लोगों को कुछ और नजर ही ना आए? एक ही अच्छा है बुरा है हमें तोलने तो दो, नापने तो दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस स्टडी सेंटर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ क्यों इतना बोला और पढ़ा और लिखा था? हमें समझने तो दो, हम कंपेयर तो कर सकें कि भारत जो है बुद्धमय भारत है या कोई और भारत है। सबसे ज्यादा भारत अगर जाना जाता है तो बुद्धिज्म के लिए जाना जाना चाहिए या किसी और चीज के लिए, ये हमें देखने तो दो। तो हमारी डिमांड ये इस स्टडी सेंटर के खोलने के बाद एक महत्वपूर्ण ये हो गई है कि भारत में जितने भी ये जो अभी हमने आपको एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो हमने समूह बताए हैं उन सभी के स्टडी सेंटर तुरंत से पहले खुलने चाहिए, तुरंत प्रभाव से खुलने चाहिए। ये हमारी एक डिमांड आज से और ऐड हो गई है इस आंदोलन में, जो कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, बाबा साहब के सपने पूरा करने वाला आंदोलन ये साबित होगा। अब जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये जो स्टडी सेंटर्स बनाए जाते हैं, और अभी मुझे बताया गया कि एक ये बनाया गया है ये जनजाति गौरव दिवस क्यों बनाया गया है? मनुवादी मानसिकता जिससे ग्रसित या जिसके प्रोपोनेंट यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की प्रॉक्टर, यहाँ के रजिस्ट्रार और ऑफ कोर्स एक छोटे मोटे कॉलेज जो है दौलत राम कॉलेज, क्योंकि विषय है वो इसलिए लेना पड़ रहा है उनका नाम भी इस सीरीज में, वरना वो इस हायरार्की में बहुत नीचे आती हैं। हालांकि अपने कारनामों से वो बहुत प्रिय हैं आरएसएस और मनुवादियों के, लेकिन अपनी निर्दयता की वजह से, अपनी क्रिमिनलिटी की वजह से वो बहुत पॉपुलर हैं। डॉक्टर सविता रॉय, उनको भी सब लोगों की जो ये मनुवादी मानसिकता है वो एक्सपोज करने के लिए ये स्टडी सेंटर्स तो जरूरी हैं ही, लेकिन ये जो जनजाति गौरव दिवस है ये जो मनाने की कोशिश की जा रही है या जो मनाया जा रहा है ये क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको क्यों है। पहली बात, आजकल देश में सबसे बड़ा अन्याय कहाँ हो रहा है? मास्क बेसिस पे। अभी आज सुबह भी मैंने अखबार में पढ़ा है दो कुकी समाज के लोगों को मारा गया है वहां के। बड़ी अजीब बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो चूरा चांदपुर है वहां पर जहाँ कुकी और जो हमारे ट्राइबल भाई बहन रहते हैं वहां पे एमबीबीएस के एग्जाम देने की परमिशन नहीं है। जो मेतई समाज के लोग थे जो चूरा चांदपुर में पढ़ते थे उनको इम्फाल में वैली में एग्जाम देने की परमिशन है, लेकिन जो वैली में ट्राइबल लोग पढ़ते थे उनको चूरा चांदपुर में एग्जाम देने की परमिशन नहीं है। ये इन काले गंदे घिनौने कारनामों को छुपाने के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये मनाना चाहते हो आप, हमें बेवकूफ समझते हो, हमारे लोगों को मार कर उसको ठकना चाहते हो ये ड्रामे करके। अच्छा ये बता दीजिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका बैकलॉग कहाँ है? यहाँ रखो। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हो सकती है? वाइस चांसलर साहब बेशर्मी से सुन रहे होंगे अभी और अपने दलाल भी भेज रखे हैं यहाँ पे चारों तरफ, वो इस बात का जवाब दे ट्राइबल कम्युनिटी का बैकलॉग कहाँ है? जो हजारों नौकरियां ट्राइबल कम्युनिटी की है वो खा कौन गया? किसने ये अपराध किए हैं वो नौकरियां खाने की? किसने वो डॉक्यूमेंट फोर्ज किए? जैसे डॉक्टर रितु के केस में डॉक्टर जो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके नौकरी खाई गई है ना डॉक्टर रितु की, वो जो हजारों ट्राइबल कम्युनिटी की नौकरियां खाई गई हैं वो कहाँ है नौकरियां? उसकी एफआईआर हम दर्ज कराएंगे। दूसरी बात, कहाँ है हमारे ओबीसी समाज की बैकलॉग? कहाँ है वो बैकलॉग? कौन खा गया? कौन है वो बेईमान? कौन है वो चोर? कौन है वो जो अडानी की तरह, जैसे अडानी देश का पैसा लूट रहा है, वो कौन नौकरियां लूट के ले गई? यही मनुवादी मानसिकता के लोग ना, उस एक एक नौकरी का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ है हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बैकलॉग? कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गई? अब जो ईडब्ल्यूएस की कहानी है, ईडब्ल्यूएस की तो बैकलॉग मुझे बताया जा रहा है बचता ही नहीं है। ऐसा क्या चमत्कार है? ईडब्ल्यूएस में कोई एनएफएस होता ही नहीं,
परफेक्ट है सारे, सारे परफेक्ट पैदा होते हैं। और एक परफेक्ट डीआरडीओ में पकड़े गए थे अभी पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करते हुए, और दूसरे अभी ये मुझे ये जो क्रिकेट का मैच हुआ है उसमें उसमें भी बैटिंग की खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने से कोई लाखों करोड़ रुपए जीता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कौन जीता है। तो ये जो कारनामे चल रहे हैं ये बताया जाए कि ईडब्ल्यूएस में सारे ऐसे ही परफेक्ट होते हैं, ये सट्टे बाजार वाले ही सारे लोग होते हैं। आप ईडब्ल्यूएस की कहानी सुनिए, ईडब्ल्यूएस में फर्जी डॉक्यूमेंट, और ये वीसी साहब ध्यान से सुन लें, ये इनकी जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रार साहब ध्यान से सुन लें, ईडब्ल्यूएस के अपनी जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है ना इनकम का, आमदनी का, वो सैकड़ों नहीं सैकड़ों से ज्यादा संख्या में नकली सर्टिफिकेट बना के नौकरियां हासिल की जा रही हैं। जो लोग बाय डिफॉल्ट एनएफएस हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं ना, आरएसएस के लोग पैसे, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं उसकी कभी किसी ने खंडन नहीं किया आज तक, नागपुर से लेके और हमारे वाइस चांसलर ने तक ने, कि अभी जो नौकरियां दी जा रही हैं एनएफएस करार दे के लोगों को या दूसरे तरीके से जो आरएसएस के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है रिश्वत की बुनियाद पे और नेपोटिज्म की बुनियाद पे दिया जा रहा है, तो इन सब को बेनकाब किया जाएगा और 26 नवंबर को भी इन सब के बारे में बात रखी जाएगी। दूसरी एक बात और थी, इन सभी बातों को ध्यान में रख के हम ये चाहते हैं कि 26 नवंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ आ सकते हैं यहाँ आए और हमारा महापर्व हम सब लोग साथ मिल के मनाएं। इसके अलावा जो लोग यहाँ नहीं आ सकते सोशल मीडिया के जरिए यहाँ का जो हम लोग लाइव भी करेंगे और यहाँ का पूरा एक तरह से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको देखे भी और उसको सर्कुलेट करें और अपने अपने घरों में भी, ये डेमोक्रेसी का, ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है, इसको मनाएं और एक हम लोग एक परंपरा शुरू करें कि ये किसी भी और त्यौहार से बड़ा त्यौहार 26 नवंबर का हमारे देश में मनाया जाना चाहिए। इसके बाद से ये भी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन हम सब लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि सभी भारतवासी, सभी इंसाफ पसंद भारतवासी 26 नवंबर को अपना सबसे बड़ा पर्व मनाएं। अभी मुझे ये भी याद दिलाया डॉक्टर रितु ने कि आईआईटी में एक स्पेशल ड्राइव शुरू हुआ है एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों का रिक्रूटमेंट बैकलॉग भरने का। वो क्यों हुआ है कि कल हम लोग आईआईटी में जो बच्चे आयुष और अनिल नाम के दो बच्चे जो हत्याएं की गई थी जिनके ऊपर कास्ट की वजह से उनके ऊपर जुल्म करके उनकी हत्याएं की गई थी, कल हाईकोर्ट में हमने उसकी बहस खत्म की है, जजमेंट रिजर्व हुई है। तो इस डर से ही क्या तुम लोग इंसाफ करते हो मनुवादी, क्या इसी डर से इंसाफ करते हैं कि उनको जेल जाने के लिए एकदम दरवाजे खुलने लगते हैं जब इंसाफ करते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या तभी इंसाफ होगा, बैकलॉग जब ही भरा जाएगा जब वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहिबा और दूसरे लोग जेल जाएंगे, जब ही, उससे पहले नहीं। तो शर्म करनी चाहिए, ये न्याय बिना जेल जाए भी हो सकता है। हम आप लोगों से कहते हैं, मनुवादी मानसिकता के लोगों से भी कहते हैं, न्याय करना शुरू कर दो नहीं तो जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।